नमस्ते, स्वागत है आप सबका सुनैना की स्वादिष्ट रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली भोग खिचड़ी, जो दुर्गा पूजा में बनता है। एक कप मूंग का दाल लिए हैं, इसी कप से एक कप चावल लिए हैं। दाल को रोस्ट करना है, मूंग के दाल को हल्का रोस्ट करना है, हल्का सा भूनना है। अभी दाल भुना गया है, अब इसको एक बॉल में हम निकाल लेते हैं। दाल भून लिए हैं, उसको चावल के साथ, एक चावल है उतना ही मेजरमेंट से, एक कप दाल एक कप चावल, उसको हम इसमें मिला लेंगे और एक घंटा के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। एक घंटा के लिए पानी में भिगो के रख देना है। इसमें 2 बड़ा चम्मच हम ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। तेल गर्म हो गया है, हम आलू को इसमें फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन भून लिए हैं इसे, और हम इस बॉल में निकाल देंगे। और अब इसी पैन में हम एक गोभी डाल रहे हैं, उसको भी हम ढक ढक के भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए गोभी भी गोल्डन कलर का हो गया है, और उसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। 2 चम्मच के करीब हम वही कुकिंग ऑयल मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें 1 तेजपत्ता डाल रहे हैं, 2 लाल मिर्च डाल रहे हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल रहे हैं, 2 इलायची डाल रहे हैं और 2 लौंग डाल रहे हैं, और 1-2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। जीरा चटकने तक हम इसको भूनेंगे। जीरा चटक गया है, अब हम इसमें 1 टमाटर कर देते हैं। 1 टमाटर महीने काटी लेंगे, उसको डाल देंगे, और उसको सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। ये टमाटर की लगभग हम 5 मिनट तक भूनेंगे, या टमाटर के सॉफ्ट होने तक। ये टमाटर सॉफ्ट हो गया है, भुना गया है, अब इसमें हम बाकी के मसाले डालते हैं। 1 चम्मच अदरक का क्रश किया हुआ है वो डाल रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी दालचीनी डाल रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल रहे हैं, सब मिला के भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब भुना गया है, अब जो हम दालचीनी भिगो के रखे थे उसको अच्छे से धो लिए हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं। और दाल चावल डालने के बाद हम 5 मिनट तक अच्छे से इसको भूनेंगे। इसको 5 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे। दाल चावल हमको 5 मिनट लगभग भूनते हुए हो गया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। खिचड़ी में गर्म पानी ही डालना है, और जितना दाल चावल था उसके 4 गुना पानी डाल के हम 7 मिनट पकाएंगे। और अब इसमें हम फ्राई किया हुआ जो आलू है वो आलू डाल दिए। जब भी खिचड़ी में पानी कम होगा, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, एक ही बार खिचड़ी में पानी नहीं डालना है, और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब इसको ढक के हम 7 मिनट तक पकाएंगे। चलिए देखते हैं, 5 से 7 मिनट हो गया। अब हम इसमें 1 कटोरी हरा मटर डाल रहे हैं, मटर का तो सीजन नहीं है, फ्रोजन मटर है। इसको मिलाएंगे,
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खिचड़ी में गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। अब इसको हम ढक के 10 से 12 मिनट पकाएंगे। भूख खिचड़ी बनाते हुए 10 मिनट हो गया, चलिए देखते हैं। अब हम फ्राई किया हुआ जो गोभी है उसको इसमें डाल देते हैं और 2 मिनट और पकाएंगे। मिनट हो गया और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे या स्वादानुसार। 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, नॉर्मल नमक, वही जो हम लोग खाते हैं। इसको मिला लेंगे। अब वही गर्म पानी 1 कटोरी डालेंगे और 2 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में है, जो कि अब वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम आगे बताते हैं। देखिए मेरा खिचड़ी बन के तैयार है और हम गैस को ऑफ कर रहे हैं। उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच घी डालेंगे। आप घी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सबको हम मिक्स करेंगे। खिचड़ी भोग में हर स्टेप इसका इम्पोर्टेंट है, तो कोई स्टेप को आप मिस नहीं कीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा। अब इसको हम ढक के रख देते हैं और घर में बनाइए और घर बैठे पंडाल के भोग का आनंद लीजिए। और अगले रेसिपी तक हैप्पी कुकिंग।